हेलो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं और चार टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सॉरी, नंबर फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नंबर सेकंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, नंबर थर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नंबर फोर्थ रिडक्शन रिएक्शन. चार टाइप की रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज बारी है पांचवी टाइप की रिएक्शन की, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम. देखिए, बेसिकली हमने आपको लिखवाया था कि एल्डिहाइड और कीटोन्स पांच टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन एक छोटी सी टाइप और है जिसे कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. वो एक छोटा सा हेडिंग है, वो भी हो जाएगी कवर. तो एल्डिहाइड और कीटोन्स पांचवी टाइप की रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन. और आप लोग समझते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कि कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन. कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, जो भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे उन्हें कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन. ये बात हम जान चुके हैं जीओसी में. कोई भी फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं. इस हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शन होती है उन्हें कहते हैं रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. एल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं. ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये आता है कि एक बार वो देखिए कि जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसे कहेंगे अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन. ये तो सब में, सारे फंक्शनल ग्रुप में ये काम आएगा. लेकिन एक चीज और देखिए, जो कार्बोनिल कंपाउंड का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इन कार्बोनिल कंपाउंड. यह क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, या ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड. मतलब कहने का यह है कि जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, उसका रीजन क्या है, बताइए उसका रीजन क्या है. एक बात तो कॉमन है कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं. ये बात तो हर फंक्शनल ग्रुप के लिए लागू होती है. लेकिन क्वेश्चन ये है कि कार्बोनिल ग्रुप अगर अटैच होगा तो उसका अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, एसिडिक नेचर का होता है. इसका रीजन क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप का अल्फा कार्बन एसिडिक क्यों होता है, क्वेश्चन समझ में आ गया. ये क्वेश्चन है. ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको, क्वेश्चन समझ में आ गया. अब देखिए रीजन क्या है. देखिए बच्चों, जो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है. ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्यों है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से. बात समझ में आ गया, कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्यों है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से. कार्बोनिल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, हाँ ये लिख लीजिएगा, कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है,
और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों होता है, माइनस आई की वजह से, माइनस आई। ये चीज अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कहां से खींचेगा, कहां से खींचेगा, ये अपने पड़ोस वाले कार्बन से खींचेगा, अपने पड़ोस वाले कार्बन से खींचेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, अपने पड़ोस वाले कार्बन से खींचेगा, खींचेगा। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा, तो कार्बोनिल ग्रुप्स का अल्फा कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, कार्बोनिल ग्रुप का अल्फा कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाता है। क्यों? कार्बोनिल ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा तो ये भी तो चाहेगा कि कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले हमको, इलेक्ट्रॉन की कमी कहीं से पूरी करे, तो इलेक्ट्रॉन की कमी कहां से पूरी करेगा, इस हाइड्रोजन से पूरी करेगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, कार्बन की ज्यादा होती है। तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन कहां से खींचे, जो जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन कार्बोनिल खींचे थे, जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल ने खींचे थे इस कार्बन के, वो अपनी कमी कहां से पूरी करेगा, इस हाइड्रोजन से पूरी करेगा। जब पूरी करने की कोशिश करेगा तो जो ये बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब सी अल्फा हाइड्रोकार्बन अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जब वीक हो जाएगा, जब वीक हो जाएगा तो मान लीजिए कोई बेस आए, OH माइनस कोई बेस आए इजिली इस पे अटैक कर देगा। जब ये वीक है, लूजली बॉन्डेड, जब बॉन्ड वीक हो गया, शेयरिंग के बॉन्ड कार्बन खींच रहा है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तो कोई भी बेस इस पे आके अटैक कर देगा, वाटर को रिलीज कर ले जाएगा, इसको रिलीज कर दिया वाटर को। अब क्या बचा, अब इस बॉन्ड में क्या बचा, कार्बन सी सी। जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ गया तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, क्या बन गया, ये कार्बन आयन, नेगेटिव आयन क्या हो गया, कार्बन आयन बन गया। बात समझ में आ गई, कार्बन आयन बन गया। अब देखिए कार्बन आयन में रेजोनेंस पाया जाएगा, डबल बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव, रेजोनेंस पाया जाएगा। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसका होगा, ऐसा ये क्या बन गया, इसका ये कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। इस आयन, इसको कार्बन आयन कहेंगे, इसको कहेंगे इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, इसको कहेंगे इनोलेट आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है इनोलेट आयन। इनोलेट आयन जो अल्फा कार्बन की वजह है, जो अल्फा कार्बन की एसिड, अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी की वजह है, वो है इनोलेट आयन। और अब देखिए हाइड्रोजन रिलीज हो गया, कार्बन आयन बना जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है और इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी की वजह क्या है, नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, एक तो रीजन ये है कार्बोनिल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट की वजह से, और सेकंड क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या बना, इनोलेट आयन, ड्यू टू रेजोनेंस। तो अल्फा हाइड्रोजन की एसिड, कार्बोनिल आयन के अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी की वजह दो हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ इनोलेट आयन ड्यू टू रेजोनेंस। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है या कंपटीशन में भी आ सकता है। समझ में बात आ गई, आगे बात समझ में। तो ये तो हो गई एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन।
अब बात करते हैं कि जो वो रिएक्शन जो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से है, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से है वो रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन हो रहे हैं। देखिए हेडिंग देंगे एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब कंडेंस होना, जुड़ जाना, कंडेंसेशन मतलब कंडेंस होना, जुड़ जाना। ये वही देंगे, ये रिएक्शन वही एल्डिहाइड और कीटोन, ये कैरेक्टरिस्टिक है एल्डिहाइड और कीटोन की, और वही एल्डिहाइड और कीटोन देंगे विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन गिव दिस रिएक्शन, गिव दिस रिएक्शन। ये केवल वही एल्डिहाइड और कीटोन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन लिखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, और कीटोन या कोई एक देगा, और कीटोन हैविंग हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आर कंडेंस्ड, जुड़ते हैं, कंडेंस्ड कंडेंस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ डायल्यूट बेस, डायल्यूट जरूर होना चाहिए, डायल्यूट बेस। और बेस कौन कौन होगा, डायल्यूट बेस कौन कौन हो सकते हैं, NaOH हो सकता है, NaOH, NaOH ज्यादा आपको NaOH दिखेगा, ज्यादातर NaOH दिखेगा आपको, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, ये बहुत बहुत कम दिखेंगे, मेन NaOH ही दिखेगा, और बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, इतने हो सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं। आर कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस टू मॉलिक्यूल ऑफ इट, टू मॉलिक्यूल ऑफ इट आर कंडेंस्ड टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं एल्डोल। अगर एल्डिहाइड, अगर दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड कंडेंस होंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएंगे, और अगर दो मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन होंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएंगे। सब समझ में आएगा अभी, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन इसे कहते हैं कीटोल, इसे कहते हैं कीटोल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं कीटोल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव कंडेंस टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, द रिएक्शन इज कॉल्ड, द रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। एक पॉइंट और बता लेंगे, एल्डोल प्रोडक्ट आर अनस्टेबल एंड लॉस वाटर ऑन हीटिंग एंड गिव अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट,
अनसेचुरेटेड कार्बोनेट कंपाउंड। ये इतनी बड़ी डिफिनेशन है इसकी, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनेट कंपाउंड। ठीक है, ठीक है। देखिए एल्डोल का ये स्क्रीनशॉट ले ले, आप स्क्रीनशॉट ले ले इसका। देखिए एल्डोल का मतलब क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई डिफिनेशन तो आपको रटनी ही पड़ेगी, डिफिनेशन तो रटनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। डिफिनेशन ही पूछ सकता है आपसे बोर्ड में, वैसे डिफिनेशन ज्यादा आती नहीं है लेकिन पूछ सकता है, डिफिनेशन तो रटनी ही पड़ेगी आपको। अब देखिए एल्डोल मतलब क्या होता है, देखिए एल्डोल का मतलब समझिए, एल्डोल एल्डोल और कीटोल का मतलब समझिए, कीटोल एल्डोल मतलब होता है एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, मतलब कि एल्डिहाइड और एल्कोहल एक ही कंपाउंड में हो, कीटोल कीटोन प्लस एल्कोहल, मतलब कीटोन और एल्कोहल एक ही कंपाउंड में। ऐसा समझ में नहीं आएगा, अब देखिए रिएक्शन पे जा रहा हूं मैं, रिएक्शन पे देखिए। मान लीजिए कि इसमें दो मॉलिक्यूल ली जाएंगे। देखिए मान लीजिए जैसे कोई एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड ले लिया हमने, CH3C डबल बॉन्ड O या डबल बॉन्ड O H, एसिटाल्डिहाइड है ये। अब दूसरा एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आया, तो दूसरा एसिटाल्डिहाइड, देखिए हम आपको मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, करने का तरीका बता रहे हैं, मैकेनिज्म नहीं बता रहे। मैकेनिज्म बहुत अलग तरह की है, उसमें एनोलेट आयन बनेगा, पहले बेस आके अटैक करेगा, एनोलेट आयन बनेगा, एनोलेट आयन दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, वो अलग चीज, मैकेनिज्म अलग चीज है, मैकेनिज्म बोर्ड में नहीं आती, ठीक है, और कंपटीशन में मैकेनिज्म नहीं पूछेगा। अब देखिए यह है, अब देखिए दूसरा मॉलिक्यूल आया जिसका अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाना पड़ेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसका अल्फा हाइड्रोजन कौन है, जो ये अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे मॉलिक्यूल, अब एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल लेके आए हम, उसका अल्फा हाइड्रोजन को आप अलग करिए और CHO इस तरह, एक का अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाना पड़ेगा, वही कंडेंस होगा, ठीक है, एक एसिटाल्डिहाइड आपने ऐसे लिखा, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन आगे रखा, ठीक है, कहने का तरीका बता रहा हूं मैं, डायलूट NaOH की प्रेजेंस है, डायलूट NaOH की प्रेजेंस है, ठीक है। अब देखिए तरीका, मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म पे ना जानिए, एक मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं, बस करने का तरीका बता रहा हूं। ये बॉन्ड टूटेगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। अब ये बॉन्ड हाइड्रोजन इससे रिलीज हुआ, तो हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन अल्फा एसिडिक है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये अल्फा ही ब्रेक होगा, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव किस पे क्या आएगा, नेगेटिव वाले पे, तो इसको इस तरह बनाइएगा, CH3 सी बॉन्ड ये है और ये हाइड्रोजन, ये एक एटम हो गया, और ऑक्सीजन का जब बॉन्ड टूटेगा ये ओ है, तो हाइड्रोजन किस पे जाएगा, हाइड्रोजन इसके किस पे जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन किस पे जाएगा, एच पे जाएगा, और जो ये कार्बन है आके इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, CH2CH, ठीक है। ये तरीका बता रहा हूं, कोई मैकेनिज्म नहीं है ये, जिसे बोर्ड में आप आसानी से कर लो, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके, ये बन गया, इसे कहेंगे। अब देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये है फंक्शनल ग्रुप, इससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन और उसके बाद वाला बीटा कार्बन, तो बीटा पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी लगा है, तो इसे कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसी को कहते हैं एल्डोल। बात समझ आ रही है। अब आगे हमने और लिखवाया कि एल्डोल प्रोडक्ट जो होता है वो अनस्टेबल होता है, अगर उसको हीट कर देंगे, ऐसे तो स्टेबल है, अगर हीट करेंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा और वाटर लॉस कर देगा, वाटर कहां से आएगा, अब होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन कहां से होती है, एडिशन कार्बन से होती है, तो एक कार्बन से निकलेगा OH, तो दूसरे से निकलेगा हाइड्रोजन, निकला
सी एच ये हाइड्रोजन यहां पर लिख दिया हमने सी एच। अब दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा सी एच सी एच। ठीक है, बात समझ आ गई, समझ बात आ रही है, ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, इसे कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूट ब्यूट 2 इन और 1 पे अल लगा है तो इनल ब्यूट 2 इनल। ठीक है, ये है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। बात समझ आ रही है, अच्छे समझ में आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लें, कीटोन में दिखाता हूं। देखिए दो सेम मॉलिक्यूल है, एसिटाल्डिहाइड ये भी है, एसिटाल्डिहाइड ये भी है, सेम सेम मॉलिक्यूल में दिखा रहा हूं मैं अभी, सेम सेम में दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए कीटोन का दिखाता हूं, कीटोन का, चलिए कीटोन का देखते हैं, कीटोन में एसीटोन में कैसे होगा, एसीटोन में कैसे होगा, एसीटोन में कैसे होगा, जैसे एसीटोन का एक मॉलिक्यूल आपने ऐसे लिखा, ऐसे तो होता है सी एच थ्री सी सी एच थ्री बॉन्ड ओ, दूसरे का आपको अल्फा हाइड्रोजन दिखाना होगा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन ये दिखा दिया आपने एच सी एच टू एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, यही तो एसीटोन दूसरा मॉलिक्यूल लेके आए। क्या होता है, डाइल्यूट एनएच होगा। आप लोग अगर समझ में गए हो तो इसको पॉज करके ट्राई कर लें, ये बॉन्ड टूटेगा क्या होगा, सी एच थ्री सी एक सिंगल बॉन्ड यहां लगा दिया और सी एच थ्री इसको लगा दिया, अब ये हाइड्रोजन कहां चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा ओ एच और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाएगा सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये बन गया। बोलिए समझ में आ रही है, समझ में आ रही बात, बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसे क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन इसी को कहते हैं कीटोल, कीटोन और एल्कोहल एक ही ग्रुप है, बीटा हाइड्रोक्सी मतलब ये फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और ये कार्बन बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन एक चीज। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसको अगर हीट कर दें, इसको हीट कर दें फिर एलिमिनेशन होगी, एलिमिनेशन होगी तो एक OH इस कार्बन से निकलेगा, अगल बगल कार्बन से होता ना, एक हाइड्रोजन इससे निकलेगा, वाटर निकाले बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका सी एच थ्री सी सी एच थ्री, ये तो ऐसे ही हो गया, डबल बॉन्ड लगेगा सी एच होगा फिर सी एच थ्री डबल बॉन्ड ओ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना। ठीक है, नाम लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 पांच कार्बन का बन गया, क्या बनेगा, 4-methyl, 4 पे मेथिल लगा हुआ है, 4-methyl, 4-methyl कितने कार्बन है, 5 पेंट 3-ene 2-one ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, आसान है ना, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, स्क्रीन शॉट ले लें, बहुत आसान है, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं यहां पे, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब एल्डोल कंडेंसेशन दो तरह के होते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं,
एल्डोल कंडेंसेशन दो तरह के होते हैं, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस्ड, क्रॉस्ड और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन को होते हैं व्हेन व्हेन सेम एल्डिहाइड, सेम एल्डिहाइड और सेम कीटोन आर कंडेंस्ड मतलब कि अगर एसिटाल्डिहाइड लो, एक मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड हो, एसिटाल्डिहाइड हो तो दूसरा भी एसिटाल्डिहाइड हो, सेम बिल्कुल सेम सेम एल्डिहाइड, ठीक है। अगर एक एसीटोन हो तो दूसरा भी एसीटोन हो, बिल्कुल सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम नंबर ऑफ कार्बन। ऐसा नहीं कि आप एसिटाल्डिहाइड एक ले रहे हो और दूसरा ले रहे हो प्रोपेनल, एक एथेनल ले रहे हो दूसरा प्रोपेनल, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, ऐसे सेम कि आप टू लगा सको, CH3CHO, दो मॉलिक्यूल लेते हैं तो दो से मल्टीपल। हमने तो आपको दो अलग अलग दिखाए, लेकिन आपको रिएक्शन में एनसीईआरटी में देखोगे तो टू ही लिखा होगा एसिटाल्डिहाइड, अलग अलग नहीं लिखा होगा, टू ही लिखा होगा, ठीक है, सेम। तो इसे कहते हैं सिंपल, और इसमें डिफरेंट एल्डिहाइड और डिफरेंट कीटोन लेते हैं, या वन एल्डिहाइड प्लस वन कीटोन के बीच हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच हो सकता है। अगर डिफरेंट एल्डिहाइड हो, जैसे एक एसिटाल्डिहाइड हो तो दूसरा प्रोपेनल्डिहाइड हो, ठीक है, एक एसिटोन हो दूसरा प्रोपेनोन हो, तो सॉरी प्रोपेनोन तो एक ही बात है, ब्यूटेनोन हो, तो इस तरह से अलग अलग एल्डिहाइड के बीच हो सकता है और एक एल्डिहाइड एक कीटोन के बीच हो सकता है, उसे कहते हैं क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन। बात समझ में आई? जो दो एग्जांपल मैंने शुरू में बताए थे आपको, एसिटाल्डिहाइड वाला और एसीटोन वाला, वो एग्जांपल है सिंपल एल्डिहाइड कंडेंसेशन के, सिंपल एल्डिहाइड कंडेंसेशन के वो एग्जांपल है, तो वो एग्जांपल सिंपल एल्डिहाइड में आप ले सकते हो। क्रॉस में पढ़ाने जा रहा हूं क्रॉस, उससे पहले एक पॉइंट लिख लीजिए, हमने जब शुरू किया था तो बताया था कि वो एल्डिहाइड या वो कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ही एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, वो ही एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। तो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मूला होता है SCHO, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा, तो ये एल्डोल, ये हो गया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, इसके पास भी अल्फा कार्बन नहीं होता, इसके पास भी अल्फा कार्बन नहीं होता, ठीक है, बेंजोफिनोन, इनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, कैसे नहीं होता, इनका तो दिख रहा है आपका, इसका तो दिख रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर से मालूम होगा कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैसे, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है C6H6, ये होता है CH, 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 ये बेंजीन में होता है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड, ये होता है बेंजीन में। अब जब बेंजीन से कोई जुड़ेगा, माने बेंजीन से कोई जुड़ रहा है तो इस हाइड्रोजन, अब देखिए बेंजीन से कोई जुड़ रहा है, अगर बेंजीन से कोई जुड़ेगा, अगर मान लीजिए यहां से बेंजीन से कोई जुड़ रहा है, बेंजीन के इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, देखिए दो ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, तीन बॉन्ड और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, चार बॉन्ड तो यही हो गए। अब मान लीजिए कि यहां पे कोई चीज ग्रुप जुड़ना चाह रहा है, मान लीजिए एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ना चाह रहा है,
तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और जुड़ जाएगा। अब देखिए, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब देखिए फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन कौन होगा, ये होगा अल्फा कार्बन, ये होगा, और इसके पास बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला है ये। अब इसके पास कोई हाइड्रोजन है, नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं, बाकी ये तो हाइड्रोजन सब है, लेकिन ये अल्फा थोड़ी है, ये तो बीटा बीटा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन ये है, और अल्फा कार्बन को रिप्लेस करके ही तो ये ग्रुप आया है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। लेकिन कौन सा नहीं देगा वो भी हम डिसाइड करते हैं अभी। बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन क्या होता है, दो बेंजीन रिंग ऐसी जुड़ी होती हैं, दो बेंजीन रिंग बेंजोफिनोन ये होती है, और इससे सी डबल बॉन्ड ओ ये जुड़ा होता है, जिससे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा, तो बेंजोफिनोन के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, सो डोंट गिव सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्या बोला है, एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब कि ये एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड अगर अपने ही फॉर्मेल्डिहाइड से कंबाइन करे तो कंडेंसेशन नहीं दे पाएगी, अगर ये अपने ही बेंजल्डिहाइड से कंबाइन हो, अपने सिंपल क्या होता है, खुद से कंडेंस हो जाना, तो ये अगर खुद से कंबाइन हो तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, ये अगर खुद से कंबाइन हो तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं ये, लेकिन क्रॉस दे सकते हैं, क्रॉस दे सकते हैं, और कब देंगे कि ये ऐसे एटम से कंबाइन, क्रॉस क्या होता है, दो डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच होगा, दो डिफरेंट कीटोन के बीच होगा, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच भी हो सकता है, तो ये सिंपल एल्डोल नहीं देंगे, लेकिन ये क्रॉस दे सकते हैं, और क्रॉस किसके साथ देंगे, इसके पास तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा एटम आ जाए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्रॉस ये दे देंगे, ठीक है। बट गिव क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन when combined with atom having alpha hydrogen atom, वो atom भी aldehyde या ketone का होना चाहिए, alpha hydrogen atom, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अच्छे समझ में आ रही है। चलिए अब चलिए, सिंपल तो बता चुका हूं, क्रॉस बताइए, देखिए एक पॉइंट और लिखिए, देखिए क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, जो क्रॉस होता है वो भी दो तरह का होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, वो कंडेंसेशन दो डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच हो, या दो डिफरेंट कीटोन के बीच हो, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन के बीच हो, ये भी दो तरह का होता है, एक वो तरह जिसमें बोथ कंबाइनिंग एटम, बोथ कंबाइनिंग एटम हैव अल्फा हाइड्रोजन, क्रॉस एल्डोल उनके बीच, अभी डिस्कस करेंगे, क्रॉस एल्डोल उनके बीच जिनमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, और ऐसे के बीच वन हैव अल्फा हाइड्रोजन एंड अदर डोंट हैव अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन डोंट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, बोथ कंबाइनिंग एटम हैव अल्फा हाइड्रोजन, एक वो क्रॉस जिसमें दोनों कंबाइनिंग एटम के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, या ऐसे के पास ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन हो एक के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, इसका कोई सिंथेटिक यूज नहीं है, क्यों, जब ऐसा केस आएगा तो चार प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, गिव फोर प्रोडक्ट whose
हुज सेपरेशन इज वेरी डिफिकल्ट, अगर दो अगर क्रॉस एल्डोर कंडेंसेशन इनके बीच हो रहा है कि जिन इनके बीच हो रहा है जिनके पास दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इससे चार प्रोडक्ट मिलेंगे जिनका सेपरेशन बहुत ही मुश्किल है, तो इसका कोई सिंथेटिक यूज नहीं। हां अगर ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट हो जिसमें एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो एक के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो यह बहुत ही अच्छा होता है और इसका सिंथेटिक यूज है, सिंथेटिक यूज। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब हमको एग्जांपल देते हैं, ऐसा दोनों के एक एग्जांपल लेते हैं जो देखिए है तो बहुत टिपिकल, थोड़ा टिपिकल है लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए मुझको पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि तो एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए जैसे ये जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा। देखिए कंडेंसेशन यह हो रहा है CH3CHO, एक ये है और प्लस दूसरा है CH3CH2CHO। सबसे पहले ये बताइए कि ये कंडेंसेशन सिंपल होगा कि क्रॉस होगा, बताइए बच्चों, क्रॉस होगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड सेम नहीं है, एक में दो कार्बन है एक में तीन कार्बन है, ये क्रॉस एल्डिहाइड, ये क्रॉस का एग्जांपल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका सिंथेटिक यूज नहीं है। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन, देखिए फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इससे चार प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको चार प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे बताइए। एक पहला प्रोडक्ट क्या होगा, ये अपने आप गिनती का एक एटम तो डालोगे नहीं, वो पूरा एक कंपाउंड पूरा एक वो लोगे ना एक मिक्सचर लोगे आप एसिटाल्डिहाइड लोगे तो उसमें कई एटम होंगे, तो कोई कई एटम मान लीजिए ये अपने से कंबाइन हो जाए, ये अपने से कंडेंस हो जाए तो एक प्रोडक्ट दे देगा, ये अपने से कंडेंस हो जाए दूसरा प्रोडक्ट दे देगा, और क्रॉस में भी ये दो प्रोडक्ट देंगे, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन होगा। देखिए आप लोग अभी इंटर में आए हो तो ये थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कोई अकेला एटम तो आप यूज नहीं करोगे, पूरा एक थोड़ा बहुत एटम तो लोगे ना, जब तक रिएक्शन करोगे तो एक फुल टेस्ट ट्यूब में तो लोगे या किसी कंटेनर में तो लोगे, कंटेनर में एक एटम तो ले नहीं सकते आप, तो जब एक एटम ले नहीं सकते तो इसके एसिटाल्डिहाइड के भी कई एटम होंगे, इसके भी कई एटम होंगे, तो ये दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये अपने से भी कंबाइन हो जाएगा, अपने से कंबाइन होके एक प्रोडक्ट देगा, ये खुद से भी कंडेंस होके ये सिंपल भी दे देगा, सिंपल एल्डोल, इसका एक एटम दूसरे से कंबाइन होके सिंपल एल्डोल देगा, इसका एक एटम दूसरे से कंबाइन होके सिंपल एल्डोल देगा। बताऊंगा कैसे, देखिए कैसे, अगर मान लीजिए एसिटाल्डिहाइड है, जब दो एसिटाल्डिहाइड कंबाइन होते हैं वो बता चुका हूं मैं, फिर बताता हूं, कंबाइन हो जाए तो ये क्या होगा, और इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज कर ले CH2CHO, ये जब कंबाइन होगा तो क्या हो जाएगा CH3CHOH CH2CHO, और जब ये रिलीज होगा हीट करने पर तो एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये CH डबल बॉन्ड CH CHO, एक प्रोडक्ट ये मिलेगा जब एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड से कंबाइन हो, ये इसका सिंपल है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, ये सिंपल एल्डोल करेगा, ये भी सिंपल करेगा, सिंपल कैसे करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, CH3
CH2CHO सिंपल, ये इसने सिंपल एल्डोल किया तो वो दिया, इसने सिंपल एल्डोल करेगा तो HCH CHO CH3। ठीक है, बात समझ आ रही है? सॉरी, एक चीज CH3 तो इससे जुड़ा हुआ है ना, CH3। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 COH H, और ये CH CH3 CHO। और जब हीट करेंगे CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड CH CH3 CHO। ये कब मिलेगा, जब ये अपना सिंपल कर ले, सिंपल ये सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, ये प्रोपेनल का सिंपल, प्रोपेनल का सिंपल है, सिंपल एल्डोल है, और ये एथेनॉल का सिंपल एल्डोल है। तो पहले इसने सिंपल एल्डोल किया, फिर इसने सिंपल एल्डोल किया, अब दोनों क्रॉस करेंगे, अब दोनों क्रॉस करेंगे, और क्रॉस ये दो प्रोडक्ट मिल गए आपको, और दो प्रोडक्ट और मिलेंगे, इनके क्रॉस से भी दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा। बताऊं इसका स्क्रीनशॉट लें, ये एक ही में लिखिएगा, ये कब है, व्हेन सिंपल एल्डोल, ये है ये सिंपल, ये प्रोडक्ट कब मिला है, लिखिएगा प्रोडक्ट के नीचे लिखिएगा सिंपल एल्डोल, प्रोडक्ट फ्रॉम सिंपल एल्डोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, और प्रोडक्ट ये इस पे लिखिएगा प्रोडक्ट फ्रॉम सिंपल एल्डोल ऑफ प्रोपेनॉल। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। अब सेकंड देखिए, जब क्रॉस एल्डोल हो, जब क्रॉस एल्डोल हो, दो प्रोडक्ट मिल गए ना आपके, अब दो प्रोडक्ट और मिलेंगे जब दोनों का क्रॉस एल्डोल हो। पहले हम इसका इसका एसिड हाइड्रोजन यूज करेंगे, उसके बाद इसका यूज करेंगे। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस HCH CH3 CHO। देखिए इसका एसिडिक हाइड्रोजन यूज हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, एल्डोल क्या मिलेगा, CH3 COH, ये H बॉन्ड CH CH3 CHO, और जब हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CHO। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ, अब इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लें, जब इसका अल्फा हाइड्रोजन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अब दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन यूज करें, अब दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं हम, सॉरी अब एथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं हम, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, अब इसका यूज कर रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन, H CH2 CHO। ठीक है, CHO। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन यूज किया हमने, डाइल्यूट NaOH यूज किया, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COH H CH2 CHO, ये बन जाएगा। और जब हीट करेंगे इसको क्या बनेगा आपको, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, चार प्रोडक्ट मिले, पहला इसके सिंपल से एल्डोल से, दूसरा इसके सिंपल एल्डोल से, तीसरा जब इसका अल्फा हाइड्रोजन, तीसरा जब इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज हुआ, चौथा जब इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज किया, क्रॉस में दो प्रोडक्ट क्रॉस में, दो प्रोडक्ट सिंपल में, चार प्रोडक्ट एल्डोल मिलेंगे आपको,
समझ बता रही है, कब ये चार प्रोडक्ट कब मिलेंगे, जब दोनों रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अब देखिए जब एक के पास अल्फा हो एक के पास अल्फा ना हो तब तब आपको बहुत इसका बहुत सिंथेटिक यूज है। जैसे हमने यूज कर लिया, एक यूज किया बेंजाल्डिहाइड, एक यूज किया बेंजाल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ एच, और एक यूज कर लिया हमने एसिटोफिनोन, एक यूज कर लिया एसिटोफिनोन। देखिए एसिटोफिनोन क्या होता है, एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड आएगा बनके, यूज कर लिया ना, डाइल्यूट एनएच, ठीक है, कंबाइन कीजिए तो क्या बन जाएगा, बहुत उल्टा सीधा बना है समझ आइएगा, C एक OH बनेगा यहां पे, H ये CH2 C डबल बॉन्ड O, मजा आएगा, समझ बात आई, समझ बात आ रही है, क्लियर है, इसको रिपीट कर देंगे जब तो क्या बनेगा, आप तो समझ ही गए होगे थोड़ा बहुत, बाकी सब प्रैक्टिस से आएगा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ, इसे कहेंगे बेंजल एसिटोफिनोन, बेंजल एसिटोफिनोन, बेंजल एसिटोफिनोन, ठीक है, या 1,3-diphenyl prop 2-in-1-1, ठीक है, जैसे ये चेन बन जाएगी आईसीपीसी ने में 1,2,3, ठीक है, तो 1,3-diphenyl prop 2-in-1-1, ठीक है, क्रॉस एक और हो सकता है, स्क्रीनशॉट ले लें, एक क्रॉस और हो सकता है कि हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर लें और एसीटोन यूज कर लें, उसका ये आसान है, ये आपको मिल जाएगा, देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड है एच सी एच और एक यूज कर लिया हमने एसीटोन एच या एसिटाल्डिहाइड यूज कर लिया, कोई यूज कर लो सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू, क्या बन जाएगा एच सी ओ एच एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ठीक है, जब हीट करेंगे इसको एच सी डबल सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, ठीक है, एक कंडीशन उतारिए, एक कंडीशन की भी चीज, एल्डोर कंटेस्टेशन एसिड की प्रेजेंस में हो सकता है, डायलूट ज्यादातर डायलूट एनएच की प्रेजेंस में, डायलूट बेस की प्रेजेंस में लिखते हैं, लेकिन एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकता है, लेकिन एसिड की प्रेजेंस में होगा तो इसको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना हीट किए प्रोडक्ट यही मिलेगा, ये एल्डोल फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा, फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा आपको, इसमें बेस कैटलाइज में क्या करते हो, पहले एल्डोल बनता है उसके बाद हीट करने पर ये मिलता है, लेकिन अगर यही रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में हो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट यही मिलेगा, ये कंपटीशन के लिए है। चलो एक और है, बेंजोइन कंडेंसेशन, सेकेंड हेडिंग डालिए बेंजोइन कंडेंसेशन, ये सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं, याद रखना एरोमेटिक एल्डिहाइड वो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, लिख लीजिए बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, लिख लीजिए थ्योरी, एरोमेटिक एल्डिहाइड विच डू नॉट कॉन्टेन अल्फा हाइड्रोजन, एरोमेटिक एल्डिहाइड विच डू नॉट कॉन्टेन अल्फा हाइड्रोजन आर कंडेंस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ
आर कंडेंस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड. एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड दे कंडेंस टू फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन. दे कंडेंस टू फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन. अगर दो ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड कंबाइन हो रहे हो इन द प्रेजेंस, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो कंडेंस्ड हो रहे हो. कंडेंस हो रहे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो. ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो अल्फा हाइड्रोजन ना हो कंडेंस हो रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक केसियन. इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक केसियन तो ये इस तरह से कंडेंस होंगे, उस तरह से नहीं होंगे कि अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, ये अलग मैनर में CO इसका हाइड्रोजन तो शिफ्ट हो जाएगा CH. इसे कहेंगे बेंजोइन. ठीक है, एल्डोल में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो किसी भी एलिफेटिक एरोमेटिक में हो सकता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, लेकिन बेंजोइन कंडेंसेशन उन्हीं सिर्फ एलोमेटिक हाइड्रोजाइड में होगा और उनमें होगा जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो. आपस में कंडेंस होकर बेंजोइन बनाते हैं, यह है बेंजोइन कंडेंसेशन. तो यह थी कंडेंसेशन प्रोडक्ट, यह है कंडेंसेशन. फिर बस एक टॉपिक और रह गई, दो टॉपिक और रह गए हैं. एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, उसमें सिर्फ एक एग्जांपल है कैनिजारो रिएक्शन, वो सिर्फ 6-7 मिनट का टॉपिक है. और सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक कीटोन, ये भी 5-6 मिनट का टॉपिक है. बस एक वीडियो लेक्चर और के बाद पूरा एल्डिहाइड कीटोन आपका खत्म हो जाएगा. थैंक यू सो मच. प्रैक्टिस करते रहे, एल्डोल कंडेंसेशन हो कोई भी हो, प्रैक्टिस करते रहे. जब तक पेन कॉपी नहीं घिसेंगे आग्नेय केमिस्ट्री नहीं आ सकती. थैंक यू सो मच.